बेटी की तो फाइटिंग तो है, यू शुड टेक अ पिक्चर। आई विल आई विल। अच्छा एक में बड़ा सा कोई दांतों में कोई कीड़ा नहीं लगा हुआ, बिल्कुल साफ है, बट नीचे के दांत से थोड़ा साफ नहीं कर पा रहे वो। मैं नहीं, ब्रश तो अच्छे से करती हूँ। हाँ, बड़ी प्रॉब्लम है, जोर से तो नहीं करती ब्रश। नहीं, जोर से मत किया, हल्का सा कभी कभी हो जाता है, हल्का सा करा करो, दिन में थोड़ा सा ब्लड आ जाता है। हाँ, तो इसकी वजह से जोर से ब्रश नहीं करना। अच्छा, प्रेगनेंसी के टाइम पे और पहले कोई डिफरेंस नोटिस कर रहे हो दांतों की हेल्थ में या नहीं? नहीं, नॉर्मल है, जैसे पहले था वैसे ही है। ठीक है, कौन सा ब्रश यूज करते हो? ब्रश मैं कोलगेट का लेती हूँ या ओरल बी का। अच्छा, और पेस्ट भी कोलगेट। कोलगेट में कौन सी लेते हैं? कोई मैक्स फ्रेश आ जाता है, कोलगेट हर्बल हो जाता है, कल मतलब चेंज करती रहती हूँ कोलगेट टोटल वगैरह। अच्छा, आपको इसमें ठीक है, आप अगर उस पर जाते हैं तो आप ये चीज़ देखिए कि वो वाला टूथपेस्ट लीजिए जिसके अंदर एटलीस्ट फ्लोराइड है। इस चीज़ का ध्यान रखिए, कोई भी ब्रांड लीजिए पर आप फ्लोराइड टूथपेस्ट लीजिए। उससे ये होता है कि फ्लोराइड की वजह से जो दांतों में कीड़ा है ना वो नहीं लग पाता और दांत की जो हेल्थ है वो सही रहती है। आपके भी हल्की हल्की सी काई जम रही है, मतलब डर्टी टीथ हो रहे हैं, ये काफ़ी टाइम से ही है मेरे। हाँ, तो इसको आप निकलवा लो, इसको आपको सिर्फ क्लीनिंग कराने के लिए जाना है। टूथ क्लीनिंग कोई वैसे प्रोसीजर नहीं है, बहुत ही हल्का सा होता है, दांत भी साफ हो जाएगी। जो आपके घर के पास कोई भी अस्पताल हो वहाँ पे जाके आप उसको क्लीनिंग करवा लीजिए। टूथ क्लीनिंग वेरी इंपॉर्टेंट, और कम से कम साल में दो बार जाके, हर भी सिक्स मंथ दो बार। मैंने ना करवाई थी। अच्छा, मेरे टीथ में ना काफ़ी दर्द होने लग गया था, मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ और मेरे ना कुछ खाया जा रहा था ना पिया जा रहा था। अच्छा, ठीक, कोई बात नहीं, उसकी कोई दिक्कत नहीं। आप उनको बोलिए कि थोड़ा सा धीरे धीरे करें, और वैसे तो आज कुछ प्राइस में सी एनी प्रॉब्लम, बट आप सिर्फ उसका उसकी क्लीनिंग करिए अच्छे से। और घर पे आप ना एक और आपको मैं बोलूँगी, डेंटल फ्लॉस यूज़ करती हैं आप टूथपेस्ट के बाद? नहीं, देखिए प्रॉपर प्रोसीजर क्या होता है, आप जैसे ब्रश करा, आपने टूथपेस्ट यूज़ करा, आप अपना टंग क्लीन करेंगे। टंग क्लीन कैसे करना है, आप सबसे पहले ब्रश कर रही हैं, उसी समय आप अपने टंग के ऊपर बहुत ही हल्की सी पेस्ट लगा लीजिए, और जिस ब्रश से आप कर रही हैं सॉफ्ट ब्रिसल का ब्रश होना चाहिए, हार्ड ब्रिसल नहीं होना चाहिए। उसको हल्का हल्का टंग पे साफ करा, और एक डेंटल फ्लॉस आता है धागे वाला होता है, उसको बीच में दांतों के जो बीच में फूड अटैक करते हैं ना, जैसे नीचे तो आपके दांतों में स्पेस था तो यहाँ पे नहीं अटकता, बट ऊपर की तरफ या पीछे की तरफ हल्का सा अटक जाता है, तो उसे हल्का हल्का घुमा के ताकि जो बीच का है, जो बीच में फूड रह गया है वो निकल जाए, बाकी और चीज़ नहीं है। और उसके बाद हो जाएगी डेंटल के बाद, थोड़ा दर्द सर्ज के बाद, और क्लीनिंग करवाइए, क्लीनिंग करवाइए।